दोस्तों, जब भी बात आती है सोलर से फ्री में हेवी से हेवी लोड चलाने की, तो आपको क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए एक बड़ा हेवी ड्यूटी दमदार सोलर इन्वर्टर, और उस इन्वर्टर के सपोर्ट में चाहिए उतना ही दमदार बड़ा हेवी ड्यूटी बैटरी बैंक, जो कि काफ़ी महंगा भी आता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा बढ़िया मज़ेदार सेटअप समझने वाले हैं, प्रैक्टिकली ट्राई करने वाले हैं, जिसकी मदद से आप छोटी और सस्ती बैटरियां लगा के हेवी से हेवी लोड, फॉर एग्जांपल पानी की मोटर या फिर इवन एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं। अब ये जो सेटअप है गाइस, इसको मैं पर्सनली यहाँ पे लगा के टेस्ट कर रहा हूँ, जिसे मैं कहता हूँ दोस्त सेटअप। अब दोस्त का फुल फॉर्म होता है डे ऑप्टिमाइज्ड सोलर टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है, ये किस तरह से काम करती है, किसे लगाना चाहिए, किस तरह से लगाना चाहिए, सब बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन गाइज, आप सबसे पहले जो है वो मेरा सेटअप देखिए। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर का पार्ट है वो निभा रहा है UTL गामा प्लस 3350, एक वाकई में हेवी ड्यूटी और दमदार 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर, लेटेस्ट एडिशन है अलॉन्ग विथ लिथियम बैटरी सपोर्ट। अब ये जो मशीन है, इसके टेस्टिंग वीडियोस भर भर के आपको मेरे सोलर एनर्जी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। इसका बाइंग लिंक भी दे रहा हूँ, अगर आपको लेने का मन कर जाए ये वीडियो देखने के बाद में। तो ये हो गया हमारा इन्वर्टर। अब ये जो इन्वर्टर है गाइज, ये एक सोलर इन्वर्टर है, तो ऑफकोर्स हमको सोलर पैनल चाहिए। तो गाइज, जो सोलर पैनल मेरे पास में पुराने पड़े थे, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो हम UTL गामा प्लस 1KV मॉडल के साथ में चलाते थे। दैट इज़ 320 वॉट के चार पैनल को पैरेलल करके हमने करीब करीब वही 1.3 किलोवाट का यहाँ पे सोलर अरे बनाए हैं, जो हमने इस गामा प्लस 3350 के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा एक इन्वर्टर हो गया 24 वोल्ट का, 1.3 किलोवाट के आसपास यहाँ पे सोलर पैनल लगा दी। हालांकि इसमें आप 2 किलोवाट भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी 1.3 मेरे पास में थे तो वो हमने लगा दिए। ठीक है, अब आइए आते हैं आज के इंटरेस्टिंग स्टार ऑफ द शो, दैट इज़ दिस बैटरी बैंक। अब गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो बैटरी लगाई है वो बहुत ही छोटी और एक स्मॉल साइज़ की कार बैटरी लगाई है। अब कार बैटरी मैंने यहाँ पे क्यों लगाई, इसके कुछ रीजंस हैं। अब मेरे पास में चार पड़ी थी तो मैंने चार लगा दी, आप यहाँ पे दो भी लगा सकते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट का जो इन्वर्टर है ये दो बैटरी के ऊपर भी स्टार्ट हो जाता है। अगर चार लगानी है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये समझते हैं कि भाई मैंने ये कार बैटरियाँ क्यों लगाई। जो बड़ी हमारी ट्यूबुलर बैटरी होती हैं गाइज, वो होती हैं एक तो बड़ी महंगी। अब जो ट्यूबुलर बैटरी आपको मिलेगी मार्केट में, वो आपको करीब करीब 13, 14, 15, 18 इस तरह से मिलेगी। मतलब अगर 15,000 की एवरेज एक बैटरी देखते हैं, तो भाई 24 वोल्ट में आपको दो बैटरी तो लगानी है, तो 30,000 रुपये जो है वो आपके बैटरी बैंक के अंदर लग जाते हैं। वहीं पे हमारी ये जो कार बैटरी होती है गाइस, जैसे आपने 60 एम्पियर की ले ली या 80 एम्पियर की ले ली, तो 5-6 हज़ार रुपये के अंदर आपको एक बैटरी मिल जाएगी। मतलब 10,000 रुपये के अंदर जो है करीब करीब आपका ये 24 वोल्ट का बैटरी बैंक ऑटोमोटिव बैटरीज यूज़ करके यहाँ पे बन जाएगा। मतलब सीधा सीधा 20,000 रुपये की बचत जो है हमने यहाँ पे हासिल कर ली। एक और यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे गाइस, हम बात कर रहे हैं हैवी लोड चलाने की, मतलब हमने पानी की मोटर जो है इसके ऊपर स्टार्ट करनी है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही हैवी करंट लेता है, या फिर हमें इसके ऊपर जो है बड़ा हमारा जो 1.5 टन का AC होता है उसको स्टार्ट करना है। तो उसमें क्या होगा गाइस, कि यहाँ पे अगर आपने जो नॉर्मल अगर ट्यूबुलर बैटरी लगाई है, बहुत ही सस्ती किसी घटिया क्वालिटी की बैटरी लगाई है, तो वो चल नहीं पाएगी। लेकिन क्योंकि ये जो है कार बैटरीज हैं, ऑटोमोटिव बैटरीज हैं, इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि ये एकदम से जो जर्क लोड होता है, जो झटका होता है, जैसे हम स्टार्टर लगाते हैं हमारे गाड़ी में, तो ये जो कार बैटरीज हैं आपके इंजन को आराम से 100, 150, 200, इवन 250, 300 एम्पियर भी मैंने देखे हैं डीजल गाड़ियों में। तो 300 एम्पियर देने की क्षमता ये जो कार बैटरी है ये रखती है, तो इनका डिस्चार्जिंग जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पे आपके इन्वर्टर को हेवी से हेवी लोड, ठीक है, जैसे कोई डी फ्रीज़र हो गया, बड़ा फ्रिज हो गया, उसको स्टार्ट करने में यहाँ पे आपके बैटरी की ओर से कोई भी कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। इनका जो डिस्चार्ज तेज़ होता है, साथ में इनका चार्जिंग भी इतना ही तेज़ होता है। आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे मेरे कार के ऊपर एक बार जो है क्लैंप मीटर लगा के भी चेक किया था, कि जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो आपका जो गाड़ी का अल्टरनेटर है, इन छोटी छोटी 60-70 एम्पियर की बैटरियों को 30-40 एम्पियर की जो तेज़ी है उससे चार्ज करता है। तो आपका जो गामा प्लस 3350 के अंदर जो 40 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसका पूरा पूरा फ़ायदा आप लगा पाएंगे एक छोटी बैटरी को 35-40 एम्पियर से चार्ज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रीज़न देख लिए, एक तो ये सस्ती है, दूसरा यहाँ पे इसका जो जर्क लोड है, जिसकी क्षमता है इंस्टेंट एनर्जी देने की और लेने की, दोनों भी ये काफ़ी अच्छी है। तो ये जो ऑटोमोटिव बैटरीज हैं, इसको हम दोस्त सेटअप के अंदर यूज़ करते हैं, ताकि आपका जो हैवी इक्विपमेंट है वो अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए, आपका जो इन्वर्टर जो कनेक्शन है, आपका जो यहाँ पे पावर आउटपुट है, ये कोलैप्स ना हो।
ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैटरी बैंक। अभी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो दोस्त कंसेप्ट है ये किसको लगाना चाहिए। तो गाइस जिस तरह से नाम दर्शाता है इसका नाम है DOST यानी डे ऑप्टिमाइज सोलर टेक्निक। तो ये जो टेक्निक है ये उन लोगों के लिए है जो दिन के वक्त ज़्यादा लोड चलाना चाहते हैं लेकिन रात के वक्त इनको जो है ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत नहीं है। तो खास करके ऐसे लोकेशंस हो गए जहाँ पे कमर्शियल आपके शॉप्स हो गए, ऑफिसेस हो गए, छोटी मोटी दुकानें होती हैं किराने वगैरह की, ठीक है, जिनको दिन में फ्रिज वगैरह चलाने होते हैं, कंप्यूटर चलाने होते हैं या फिर जो क्लासेस वगैरह लेते हैं उनका लोड जो होता है ना हैवी होता है लेकिन सिर्फ दिन को होता है। इन लोगों को बड़े बड़े कंप्यूटर लगाने होते हैं, फ्रिज लगाने होते हैं, ठीक है, इनके सर्वर चलते हैं, जो भी है, लेकिन ये दिन को चलता है, रात को ये दुकान बंद करके चले जाते हैं, रात को हार्डली एक हाथ नाइट लैंप लगता है। तो यहाँ पे जो कार बैटरी है इसकी खासियत ये है कि ये एकदम से जो है एनर्जी आपको दे सकती है लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक, मतलब घंटों तक जो है ये हैवी लोड के ऊपर नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे ये जो है एक कमी है और इस कमी को जो है दोस्त सिस्टम के अंदर एक एडवांटेज के रूप में यूज़ करेंगे। इसकी जो हैवी लोड लेने की क्षमता है इसको यूज़ करेंगे और रात को वैसे भी जो आपकी शॉप है या जो भी आपका सेटअप है, ऑफिस है मान लीजिए, वो बंद हो जाएगा तो हार्डली एक हाथ जो नाइट लैंप है वो तो आपका ये कार बैटरी चला लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हैवी से हैवी लोड चलाना है वो इन बैटरीज की मदद से आप जो है दिन के समय चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि भाई दोस्त सेटअप किसको लगाना चाहिए, ऐसे लोग जिनको डे टाइम में हैवी लोड चलाना है लेकिन रात को ज़्यादा यहाँ पे लोड चलाना नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के ऑटोमोटिव बैटरीज को काइंड ऑफ एज अ कैपेसिटर आप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है गाइस, देखो अब जो सोलर एनर्जी है ना वो इतनी कॉन्स्टेंट नहीं होती, ऊपर से एक हाथ बादल जाता है, कुछ भी होता है, तो एक तरह का जो कैपेसिटर है, एक तरह का जो स्टोरेज है वो आपके पास में होना चाहिए अगर आप ऑफग्रिड के अंदर आपको डे टाइम में जो है हैवी लोड चलाना है। तो कुछ इस तरह से ये है दोस्त सेटअप, सस्ते में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है हम ये गैमा प्लस 3350 के साथ में पर्सनली चला रहे हैं। इनफैक्ट गाइस मैंने इसके ऊपर जो है AC भी चलाया है, अगर आपको उसका टेस्टिंग वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही इससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं ये शूट हो जाएंगे यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर जो कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे इन प्लेलिस्ट के अंदर अपडेट हो जाएंगे। एक बार ये दोनों कार्ड को जो है क्लिक करके आप लोग जो है जाके चेक कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।